माँ, मैंने संजय और रमेश को ना पैसे का लालच देके अपने हाथ में कर लिया है। वेरी गुड। अब वो मोती को उसके लफड़े में कभी मदद नहीं करेंगे। अरे दोनों गिरगिट है, कब अपना रंग बदलेंगे बोल नहीं सकते। अच्छा हाँ, आजमा के देखते हैं। देखो रमेश, रमेश मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तू इधर आ, हम तुझे अच्छा नाश्ता खिलाएंगे। मैं इधर ही बैठा हूँ और आप ही का नाश्ता कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? हमारे परमिशन के बगैर घर में नाश्ता कर रहा है? देखिए दुर्गा आंटी, इंडिया और पाकिस्तान के समझौता ट्रेन की तरह मेरे और शिला मैडम के बीच समझौता हो चुका है। सेठ जी को मदद ना करने के रोज के 50 रुपए देगी, ऊपर से सुबह का नाश्ता फ्री और वो भी विदाउट परमिशन। और तुम फौरन शुरू भी हो गए? क्या किया तूने शीला? चूहे को गोदाम का पता बता दिया? रमेश, रमेश, क्या देख रहा हूँ मैं? ये रामगढ़ का हरिया गब्बर सिंह के अड्डे पे नाश्ता कर रहे हैं। खाने दो ना उसे। तुम क्यों सेंसर बोर्ड की तरह उसके खाने के पिक्चर को अटका रहे हो? ये पुलिस और गुंडे में मांडवली कब से हो गई? मोती को उसके लफड़े में मदद ना करने के लिए मैं रमेश को रोज 50 रुपए और सुबह का नाश्ता दूंगी। रमेश तू तो बड़ा होशियार निकला रे। इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े में अंग्रेजों की तरह तूने अपना फायदा करवा लिया। नहीं बताऊंगा क्या हुआ। क्या फायदा किया इसने? क्या फायदा किया? अरे इसने शीला मैडम से रोज का 50 रुपया और सुबह का नाश्ता मंजूर करवाया। और सेठ जी को क्या बोला? मैं आपको मदद करता हूँ, मुझे रोज का 100 रुपया और दोपहर का खाना दे दो। बोलो ये नाश्ता और लंच का बंदोबस्त तो हो गया, रात के खाने का क्या करेगा? उसकी फिक्र नहीं, उसे उसकी फिक्र नहीं। वो रात का खाना तो आपके फ्रिज से चुरा के खाता है ना। अब मेरी सारी उम्मीद तुम पे है। मेरे पे? मोती को मदद नहीं करना। देखो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तुम्हारा किराया आधा कर दिया है ना। सिर्फ आधा? हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। दीदी संजू पे भरोसा मत करना, संजू ने जीजू के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। संजू जीजू की मदद करेगा और संजू का जो आधा किराया है ना वो जीजू देंगे। क्या? हाँ। तुम्हें कैसे पता? मैंने कल जीजू को लड़की के साथ एक गार्डन में देखा था और फिर संजू को थैंक यू कह रहे थे। तू गार्डन में क्या कर रही थी? वो तुम लोगों से छुप कर गार्डन में मुझे मिलने आई थी। माँ इस घर में क्या हो रहा है? नाश्ता। ये क्या? बोले क्या कुरियर करना है? साहब मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। आप इतना हंस क्यों रहे हो? ये कस्टमर का सूट है। ये कस्टमर के कपड़े पहन के कहाँ जा रहे तू? आज मेरी बिजली की शादी है। कौन बिजली? वही बिजली जिसको आपने मेरी सच्चाई बता दी थी और बाद में उसने 840 वोल्ट का छापड़ मारा था। अच्छा हो ना वो बच गई। वो बच गई लेकिन आपकी जिंदगी खराब हो गई। मतलब? मतलब बिजली के बाप का बड़ा बिजनेस है, उसकी दारू की 12 भट्टी है। अगर मेरी बिजली के साथ शादी हो जाती तो शादी के बाद वो सारी भट्टियां मेरी हो जाती और पूरे मुंबई में दारू सप्लाई करने का कुरियर मैं आपको देता। संजय भंडारी आप ही हो क्या? देखो आजकल भिखारी भी नाम लेकर भीख मांगने लगे। अरे भिखारी नहीं हूँ, डिसूजा टेलर ने कुरियर के लिए जो सूट दिया था वो सूट मेरा है। बिल्कुल ऐसे ही सूट है। अरे ऐसे नहीं, यही सूट है। क्या? तो इन्होंने क्यों पहना? क्या ये सूट पहनकर आप ही के घर जा रहा था आपको डिलीवरी देने के लिए। अरे तो पहनने की क्या जरूरत थी? पहनने पड़ा ना, इसके पास कपड़े ही नहीं और है वो सब फटे हुए और ऐसी जगह फटे कि बता ही नहीं सकते। नहीं अगर ये सूट मैं थैले में डालकर लाता तो इसकी स्त्री बिगड़ जाती, इसलिए मैंने ये सूट पहना है। ठीक है ठीक है, ये सूट उतारो। ये सूट पहनकर मुझे कोलीवाड़ा जाना है, आज मेरी शादी है। कोलीवाड़ा? आप बिजली के साथ शादी कर रहे हो? हाँ, तुम बिजली को जानते हो? जानता हूँ, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है। हम दोनों 24 दिन और 3 घंटे घूमे हैं। अच्छा क्या बात है। थोड़ा क्रैक है ये, थोड़ा क्रैक है, है? तेरी होने वाली बीवी इसके साथ घूमी और तू जोर जोर से हंस रहे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बिजली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे उसके बाप के बिजनेस में इंटरेस्ट है। क्या? हाँ चल भाई चल, जल्दी कपड़ा उतार। ये तो रमेश का भी बाप निकला। ये क्या लिखा है तूने? सर बराबर लिखा है मैंने। देखता क्यों नहीं,
ये भेजा भेजा सर, दो से भेजने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, संजय भंडारी ये हीरोइन की तरह भागते हैं, इसका मतलब जरूर गुंडे इसके पीछे पड़े होंगे। हमारे हमारे पीछे कोई गुंडे नहीं पड़े। गुंडे पीछे नहीं पड़े? अरे गुंडे बच गए, अगर पढ़ते भी ना तो मेरे हाथ से कोई नहीं बचता। पर क्यों फेंक रहे? पिछले हफ्ते एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप एक गुंडे से भिड़े थे, उस गुंडे ने आपके कपड़े उतार कर हाफ चड्डी में ऑफिस में भेज दिया था। अरे मैंने हिम्मत तो की, तू तो इतना डर गया था कि बिना बारिश की तेरी पैंट गीली हो गई थी। देखिए आप अपने बहादुरी के डिस्कशन बाद में कीजिए, हमारे पीछे पुलिस पड़ी है। क्या? सायरन। क्या चुराया तुमने जो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है? दिल चुराया है हमने। दिल चुराया है? ए रमेश किडनी चुराते हैं, आंखें चुराते हैं ये सुना था, लेकिन ये दिल की चोरी पहली बार सुन रहा हूं मैं। सर एक खूबसूरत लड़की के सामने आपके बदसूरत लफ्जों का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? दिल चुराया मतलब उसे किसी से प्यार हुआ है ना? अच्छा 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 अच्छा, तो ये हीर जूलियट और सोनी के मोहल्ले की लड़की है। देखिए हमारा नाम पूनम है और हम यूपी के हैं, हमें एक मराठी लड़के से प्यार हुआ है और वो बैंगलोर में रहता है, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे शादी के खिलाफ है। समझ गया। ये प्यार में बड़ी ताकत होती है, ये प्रेमीजन एक दूसरे को पाने के लिए मिल्खा सिंह और पीटी उषा से भी तेज भागते हैं। देखिए संजय जी वो क्या है ना कि हम अकेले बैंगलोर नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें बैंगलोर कुरियर कर दें। अरे कुरियर करना अपना काम ही है। मुझे लगता है दिल है कि मानता नहीं, फिल्म का पार्ट टू बनने वाला है। मतलब इस पूजा भट्ट को आप बैंगलोर लेके जाएंगे, कहीं इसने आपको आमिर खान समझ लिया तो? चुकर मुकाड़ कान बंद कर। देखिए संजय जी आप हमें वचन दीजिए कि हम कौन है ये जानने के बाद भी आप हमें बैंगलोर भेज देंगे। मैं वचन देता हूँ जी, हम मिनिस्टर राधेश्याम चितलिया की बेटी है। सुराग की तलाश में इरावती, अच्छाई और बुराई की। जी हम मिनिस्टर राधेश्याम चितलिया की बेटी हैं। मिनिस्टर? देखिए संजय जी आपने हमें वचन दिया है और अब वो आपको निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। हाँ ये अपना वचन निभाएंगे तो आपके डैडी इनकी जान ले लेंगे। वो हम कुछ नहीं जानते, इनको अपना वचन निभाना ही पड़ेगा। निभाएंगे ना हम वचन निभाएंगे सर। हाँ। इसको हम बैंगलोर कैसे पहुँचाएंगे? क्यों क्यों? अब तक इसके डैडी ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी होगी। अच्छा बाहर पुलिस देखी ना? हमें काम करते हैं, इसे कुछ दिनों के लिए शीला मैडम के घर में रखते हैं। हाँ? ताकि मोती नाम का किंग कॉन्ग इसके पीछे पड़े। पहले से ही सेठ जी की प्रेमिकाओं की वजह से घर में हंगामा हो रहा है। हाँ, और इसे हम उनके घर में रखेंगे तो वो लोग हमें उठा के घर के बाहर फेंक देंगे। कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आइडिया क्या? ए, कितनी जोर से चिल्लाता है, भूल गया क्या? शीला ये देखो कामना मार रही है। मार रही? कहाँ गया? आज मुझे मत मारिए। मत मारिए? तू क्या कर रहा था? देखो रंगरेलिया मना रहा। शीला बताओ ना। चुप हो जाओ, तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो? शीला ये खेल नहीं हो रहा, मैंने दामाद को रंगे हाथ पकड़ा है। टेरेस पर बैठकर शालिनी को तोता मैना की कहानी सुना रहा था। शीला देखो कल ही तुम मुझे बता रही थी ना, शालिनी ड्राइवर के साथ घूमती है, एक शरीफ औरत ड्राइवर के साथ घूमती है, अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको पटा रहा था, कम से कम मेरा स्टेटस तो है। दीदी जीजू के साथ ना हम तीनों में से हमेशा किसी को रहना ही चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मोती, आज के बाद जहाँ भी जाओगे मम्मी को साथ ले जाओगे। अरे श्योर? यस। चलिए सासू माँ। कहाँ? मिलन साड़ी सेंटर। नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं आऊंगी। क्यों माँ? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? परसों गई थी सासू माँ मिलन साड़ी सेंटर, दुकानदार का ध्यान नहीं था, 3 साड़ियाँ चुरा कर ले आई। जीजू आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूँ। क्या है, सेठ जी कमला के लिए साड़ी खरीदने गए थे तब दुकानदार ने बताया। ये भगवान, मोती तुम कब सुधरोगे? संजू तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? ये आप लोगों को लड़का ही लग रहा है ना?
लड़की तो नहीं लग रही है ना? अरे मूछ है उसको, लड़का ही है वो, लेकिन है कौन वो? ये मेरे दूर के मामा का दूर का बेटा है। दूर का मामा तो ठीक है, मगर दूर का बेटा क्या होता है? क्या है ये मेरे मामा के कितनी बीवी का बेटा है मुझे मालूम नहीं है। क्या है? मेरे मामा का स्वभाव सेठ जी जैसा रंगीन है। किसी भी दिन छोटे छोटे चार पांच बच्चे आपको आकर पूछ सकते हैं, डैडी कहाँ है, डैडी कहाँ है, मोती डैडी कहाँ है। तू अपने सिटकॉम की कहानी बताना, मेरे डेली सोप की कहानी क्यों बता रहा है? मुझे ये बताओ ये यहाँ क्यों आया है? क्या ये मुंबई देखने आई है? आई है, आया है, आया है, और चार पांच दिन यही मेरे साथ रहेगी जी। गा गा गा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे भाई के आने की खुशी में पार्टी कर दे, चलो। साहब ए क्या है रे, बेंगलोर की टिकट मिल गई? बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पुलिस का इतना तगड़ा बंदोबस्त है जितना निजाम के हीरे जवाहरात के एग्जीबिशन में भी नहीं था। तू हमेशा रोता रहता है। वो इंस्पेक्टर अभी तक बाहर खड़ा है। आइए आप खुद जाकर देखिए, आइए आइए। वो देखो सर, दो दिन से यहाँ खड़ा है। लगता है उसे पूरा यकीन हो गया है कि मिनिस्टर की बेटी अपने यहाँ है। संजय साहब, ये इंस्पेक्टर तो हमको जानता है ना, क्यों ना हम सच्चाई बताकर इसकी मदद ले। ए पागल, ये मिनिस्टर की बेटी का मामला है, प्रमोशन की लालच में हम दोनों को अंदर करवा देगा वो। संजू जल्दी से किचन में आ जाओ। रमेश अंदर या, अर्चना ने खाना बनाया वो जरा टेस्ट करके आ जा। मुझे मरना है क्या, मरना है क्या? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे भी इस देश की आबादी बढ़ाने की इच्छा है ना। आप जाइए, मैं दुकान संभाल लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तो लड़की देख लिया, किधर गई? अचानक गायब हो गई, किधर गई लड़की? देखो संजय, 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 क्या क्या? मुझे लगता है इस घर में मैंने पराई लड़की देखी है, कुछ क्या, करो। क्या है, रात को ज्यादा पीने के बाद सुबह बहुत कुछ लगता है। हाँ, परसों भी आपको लगा आपने कपड़े पहने थे, लेकिन ऑफिस जाने के बाद पता चला आप बनियन और टॉयलेट पे गए थे। गेट आउट। इनकी एक बात अच्छी होती है, गेट आउट बोलने के बाद खुद ही चले जाते हैं। क्या है, तू मरवा लेगी इन लोगों को? अगर पता चला ना कि इस घर में मैंने एक लड़की को लड़का बना के रखा है, तो दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह ये लोग मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे। अर्चना आजा, नाश्ता तैयार। इधर इधर। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, इधर अर्चना है, अर्चना आएगी तो वहाँ जाएंगे। अरे वहाँ तो दुर्गा आंटी है ना। चलो गर्मा गर्म। आओ 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 आओ। अरे तुम लोग सुबह सुबह नाश्ते के लिए ऐसे आ जाते हो जैसे मजदूर बोनस मांगने आता है ना, वैसे। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। क्या है, हम लोग यहाँ से हिलेंगे ना तो हमारी चटनी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, लाती हूँ नाश्ता, लेकिन सिर्फ ब्रेड बटर मिलेगा। हाँ लड़की संजय, अभी अभी यहाँ लड़की थी ना। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्या शीला मैडम, यहाँ लड़की कहाँ से आ गई? पीते सेठ जी और हैंगओवर इनको होता है। मुझे हैंगओवर रहता है, जाओ ब्रेड बटर भी नहीं मिलेगा, मांगो। क्या फैमिली है, एक गेट आउट बोल के खुद चला जाता है, दूसरी भागो बोल के खुद भाग जाती है। मैंने सुबह मुझे गुड मॉर्निंग किया था ना? नहीं। मेरे बाथरूम में क्या कर रही थी? जी बोबो, अब हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए आपके बाथरूम में नहा रहे थे। आज से मेरा बाथरूम तुम्हारे लिए म्युनिसिपैलिटी का स्विमिंग पूल है, रोज नहाने आ जाना। आओगे ना प्लीज? तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? थोड़ी देर पहले मेरे देखते ही संजय रमेश इसे छुपा रहे थे, अब तुमसे मिलवाने लेके आए। मामी, इसे मैं नहीं जानता, ये सिर्फ मेरे बाथरूम में नहाने आई थी। क्या नहाने? तुम्हारी खैर नहीं। मम्मी क्या हुआ, क्या हुआ? लड़की कौन है? माँ,
ये मोदी की नई गर्लफ्रेंड है, मैं भी इस घर में एक मिनट नहीं रुकूंगी। कब जा रही हूँ? मैं पूछ रहा था क्यों जा रही हो, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ रोज सुबह नहाने आने वाली है मेरे बाथरूम में। अरे शीला मैडम क्यों रो रही हो, अरे इस लड़की को मैं ही यहाँ लाया हूँ ममेरा भाई बनाकर। भाई यार नहीं इसे मैंने मिलाया था, ये वही लड़का है, यानी लड़की है। भाई देखिए इस लड़की को मुझे बेंगलोर पहुँचाना है इसके बॉयफ्रेंड के पास। अरे तो पहुँचाओ ना इसे, यहाँ क्यों रखा है? ये मुंबई के बाहर ना जाए, इसलिए इसके बाप ने पूरे मुंबई में नाकाबंदी कर दी है, इसका बाप मिनिस्टर है। हे भगवान, तो अब ये कब तक रहेगी यहाँ पे? पता नहीं। अरे पागल, ये मुंबई के बाहर नहीं जा सकती तो वो बॉयफ्रेंड तो यहाँ आ सकता है, इसको यहाँ बुला रहे, इन दोनों की शादी करा दो। वेरी गुड आइडिया मोती, हम दो प्रेमियों को ना मिलाएंगे। आंटी मेरी शादी वाकई होगी? डोंट वरी, हो जाएगी। हाँ लेकिन मुझे आंटी मत कहो ना। छूटे हैं ये दोनों और मैं छूटे लो। संजय भंडारी है। संजय, रमेश, दीदी, जीजू, आंटी जल्दी आइए। मैं आपसे संजय के बारे में पूछ रहा हूँ, आप पूरे राशन कार्ड को क्यों बुला रही है? जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? ए, क्या? क्या हुआ रे? क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप संजय, मुझे तुमसे एक औरत के बारे में पूछताछ करनी है। जरूर जरूर। मैं जानता हूँ आप किस औरत के बारे में पूछना चाहते हैं। उसने तुमको कुछ कुरियर करने दिया? अरे उसने अपने आप को कुरियर करने को बोला अपने बॉयफ्रेंड के पास। रो रहे? नहीं संजय, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आप तो ऐसे रो रहे जैसे वो आपकी बीवी है। हाँ वो मेरी बीवी है। हाँ मैं दो दिन से सामने के फुटपाथ पे खड़ा हूँ उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। मुझे किसी ने बताया वो आपके यहाँ से अपने प्रेमी को रोज लव लेटर कुरियर कर दिया। तो आप अपनी बीवी की पूछताछ करने आए हैं? हाँ, हम समझे कि मिनिस्टर के बेटी की पूछताछ करने आए हैं। मिनिस्टर की बेटी? हाँ लेकिन हमको पता भी नहीं है कि वो घर से भागी है। तुझे पता है रे? हमको ये भी नहीं पता उसने घर से भागते वक्त इतने पैंट और इतना टी शर्ट पहना था और उसके बुरे बाल है, हम कुछ नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब हमको तो ये भी नहीं पता वो संजय के ऑफिस में आई थी। और इंस्पेक्टर साहब हमें ये भी नहीं पता कि उसने अपने आप को बैंगलोर कुरियर करने का ऑर्डर संजय को दिया है। और हमें ये भी नहीं पता कि बैंगलोर पहुंचने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करेगी। पता चला आपको? संजय यार मैं तो कंफ्यूज हो गया। नहीं वो तो चेहरे से नजर आ ही रहा है आपके। चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब ये सब लोग दरअसल सुबह से ही मजाक के मूड में, अब जाओ यहाँ से। तुम हो कौन? मैं इस घर में तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। ये मेरे चाचा का बेटा है। चाचा का बेटा कहाँ से, वो तो मामा का बेटा है, मैंने बोला नहीं था। नहीं नहीं ये तो मेरी बहन का बेटा है। नहीं मेरे मौसी का लड़का है। मैं जाता हूँ वरना मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। अलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलाशाय गणगणाय गणगणाय ओम नाराय सर्व स्वाहा मनुगणाय ओम नाराय 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 ओम नाराय। ओए पंडित जल्दी करना, क्या वाह करता है? चुप बैठो। चुप क्या बैठो? पुलिस आ जाएगी तो तुम सेंट्रल जेल में होगी और सासू माँ थाना जेल में और तुम तिहाड़ जेल में। अरे मैं जेल में नहीं जाने वाला, मैं पुलिस को बता दूंगा इन लोगों ने जबरदस्ती यहाँ बिठाया है मुझे, मैं शादी के खिलाफ था। मोती ये तुम्हारा आइडिया था? पुलिस को थोड़ी मालूम है वो। मुबारक हो, मुबारक हो, तुम दोनों अब लीगली पति पत्नी बन गए। अब तुम्हें लाइसेंस मिल गया। अभी सावित्री की तरह अपने सत्यवान के लिए किसी भी यंग से तुम लड़ सकती हो। ये मैं क्या? संजय भंडारी कौन है? हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसने हमारी बेटी का पता जो बताया। लेकिन आपने गाड़ी पकड़ने में देर कर दी क्योंकि ये बोगी इस इंजन के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई है। हे भगवान, क्या किया हमारी लड़की ने,
अरे इस लड़के का तो हम टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। आई शपथ, मेरे लड़के के अंग को हाथ लगा के दिखाओ। अरे वो हाथ काट के मटन के दुकान में टांग दूंगा। अच्छा, ये चंद्रेश आपका बेटा है? तुझे क्या लगा, पड़ोसियों से गोद लिया है क्या? कुछ भी बोलते कि उजल मार कर। देखिए इन दोनों की शादी हो गई है, अब इन्हें आशीर्वाद दीजिए बस। नहीं, हमें इनकी बेटी बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। हाँ। तो हमका भी दोरा छोरा जवाई के रूप में पसंद नहीं है। हाँ। हाँ। हमारा समाज कितना ऊंचा है, हम कितना अमीर आदमी हूँ, सब पता है, सब पता है। कौन सा घोटाला करके कितना चारा अंदर किया, सब पता है। क्या पता है? सब पता है। क्या पता है? अरे सब पता है। संजय, इससे पहले कि ये दो पार्टियां आपस में झगड़ा करे और हमारे घर का संसद भवन बना दे, रोको उनको। सब पता है। एक मिनट, आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। मिनिस्टर साहब, इधर चलिए ना, जरा बाजू में चलिए ना, बाजू में चलिए। आता हूँ। देखिए ये शादी तो होगी, तो इस शादी का फायदा कैसे उठाया जाए यही सोचिए। क्या कहता हो? अब जिस इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं हमेशा हार जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा इलाके में 80% से ज्यादा तो महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं। और ये महाराष्ट्रियन है, तो ये शादी मंजूर कर दीजिए और अपने समधी को प्रचार के लिए ले जाइए। इस इलाके में वो वोटों के बदले में नोट दिए बगैर सिर्फ झुनका भाकर पे आपको इलेक्शन जीतवा देंगे। संदेवा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर हमें शादी मंजूर है। फिर से बोलिए। हमें शादी मंजूर है। शाबाश। अरे तुम पागल हो गए हो का? चुप करो, कुर्सी का सवाल है। तो फिर ठीक है। नहीं संदेवा, वो मुच्छड़वा मानेगा का? वो मुझ पर छोड़िए। क्या कर रहे हैं? अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब? आपके बेटे ने कहा कि आप बिल्डर हैं। हाँ। अगले साल आपका बेटा डॉक्टर बनेगा। हाँ बनेगा। ये शादी मंजूर कीजिएगा। ये क्या है? ये जो संधि है ना, ये इलेक्शन जीतेंगे और आपके बेटे को अस्पताल बनाने के लिए सरकार से मुफ्त में जमीन दिलवाएंगे, समझे? थोड़ा थोड़ा समझा। मुफ्त में जमीन मिलने के बाद सरकारी खर्चे पर अस्पताल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिल जाएगा ना, चांदी हो जाएगी आपकी चांदी। मुझे शादी मंजूर है। शाबाश, फिर से बोलिए। मुझे शादी मंजूर है। शाबाश। आइए समझी, आइए गले मिले, आइए। अरे आप भी गले मिले। ए छोरा लोग, आशीर्वाद दे। ए संजय, इधर इधर। हां जीते रहो। सखेरो मेरा। संजय, तूने मंत्री का कल्याण किया ना? हाँ। तो मंत्री को बोल के हमारा भी थोड़ा सा कल्याण करवा लेते ना फुकट में। गुड आइडिया। ए मंत्री, दोस्त है मंत्री महोदय। मंत्री महोदय, जरा यहाँ आएंगे आप? कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या ये हमारे सेठ जी हैं? हाँ। इनका भी एक छोटा मोटा बिजनेस है, इनको भी आप 3-4 सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाएंगे तो मेहरबानी होगी। जरूर दिलवाएंगे। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से हम 50 लाख लेता हूँ, इनसे 40 लाख लूंगा।